हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेट इज़ प्रोटेक्टेस्ट। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, इस वीडियो में जैसे आप सबने टाइटल पढ़ लिया होगा कि ये एक मिंत्रा हॉल है। फर्स्टली पार्डन मी कि मैं वीडियोस जो है वो टाइमली नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, बिकॉज आई एम बिजी विद माई रिसर्च। सो सॉरी। सो दिस इज द हॉल। ओके, सो बात की जाए पहले मिंत्रा सेल की बात की जाए, मिंत्रा सेल उतनी अट्रैक्टिव नहीं आई थी। सो My review about the Myntra की mostly जो products थे वो उतने ही amount पे थे, and जितनी की ये sale पिछले साल ज़्यादा अच्छी थी, मतलब अच्छी थी comparatively अगर कहा जाए। पिछले 2 साल बहुत ज़्यादा अच्छी sale थी, इस बार उतनी अच्छी नहीं थी। Products ने disappoint किया, then products के sizes ने disappoint किया। सो जो रेगुलर बायर है मिंत्रा से उनको पता होगा कि मोस्टली प्रोडक्ट्स उतने में ही थे जितने कि वो सेल के विदाउट थे। सो लेट्स जंप इन टू द वीडियो। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने सारा विंटर वेयर ही लिया है। सो बताती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया। आई एम एक्साइटेड, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम शूटिंग अ वीडियो। सो फर्स्ट प्रोडक्ट इज अ जैकेट बाय ब्रांड OKANE। आई डोंट नो ये ओकेन है ओकीन है, मुझे नहीं पता। मैंने इस ब्रांड के बारे में पहले नहीं सुना था। सो ये है एक टील ग्रीन कलर की, टील भी नहीं, थोड़ा सा भी कौन सा ग्रीन है, मतलब अ शेड ऑफ ग्रीन। और ये ऑलिव ग्रीन कलर की जैकेट। और ये थोड़ी सी आपको, अगर नॉर्मल जैकेट आपको टिल हिप तक आती है तो ये थोड़ी सी हिप से लंबी होगी। सो आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट। एक्चुअली एक तो बहुत ज़्यादा अच्छा कि ये बहुत क्लासी लगती है पहनी हुई। सेकेंडली इसके साथ एक डिटैचेबल आपको कैप भी मिलती है। सो देर इज़ नो अनदर वे ऑफ वेयरिंग या कोई भी फन नहीं है कि आप एक नई उसके साथ जो है कैप कैरी करें। आई लिव इन जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, एंड इट इज़ एप्ट फॉर अगर आपका जो है आप बहुत ठंडे इलाके में जो है हम रहते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, देन हिमाचल हो गया, देन समथिंग देहरादून हो गया। सो दिस आर द प्रोडक्ट्स, और ये प्रोडक्ट आपको ठंड से काफ़ी बचाएगा। सो इसका ओरिजिनल प्राइस था 2899, जो कि मुझे वर्थ इट नहीं लगा 3000 की। मे बी दिस इज़ न्यू ब्रांड, आई एम न्यू टू दिस ब्रांड। सो मे बी इसकी जो है वो मोस्टली इतने में ही रहती हो, बट द थिंग इज़ ये ब्रांड मैंने फर्स्ट टाइम मिंत्रा पे देखा और इम्प्रेसिव, मुझे अच्छा लगा। इसके जो है ये क्लोथ्स अच्छे लगे, एंड मोर ओवर ये मुझे डिस्काउंट पे पड़ी थी ऑलमोस्ट 749 में। सो जो 749 में पड़ी, बट जैसे ही द मोमेंट आई बॉट इट ना, ये ऑलमोस्ट 1500 की होगी थी। सो दैट्स अ जैकपॉट फॉर मी। ओके, सो लिंक्स मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर जिनके नहीं दे पाई तो वो समझ लेना प्रोडक्ट्स जो हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हैं। और दिस इज़ माय फर्स्ट बाय, एंड मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इसकी गोल्डन जिबरी, एंड आई रियली लाइक द गोल्डन जिब बिकॉज इट्स ऐड टू द क्लास, यू नो। सो दिस इज़ माय फर्स्ट बाय एंड आई रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। तो मेरी रेटिंग होगी इसको 10 में से 8.5। सो आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट, आई एम कीपिंग दिस प्रोडक्ट फॉर माई सेल्फ। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट नंबर वन। एंड माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज जो मिंत्रा बायर्स हैं उन्होंने ये स्वेटर तो पक्का देखा होगा। ओके, वो अपनी 2-2 साइज है, उसमें मेरा साइज जो है वो M है, तो दैट्स 2-2 इट्स साइज। नेक्स्ट ब्रांड है बाय ड्रेसबेरी। ड्रेसबेरी से मैंने ये जो है स्वेटर लिया, वुमेन स्वेटर। ये मैंने साइज मंगवाया था जो कि मैं पहनती हूँ दैट इज़ L, क्योंकि आई हैव टू वेयर इनर्स, तो मैं एक साइज सर्दियों में अपने से अप मंगवाती हूँ। तो मैंने ये साइज मंगवाया था L, बट ये L XL की तरह था, ये बहुत बहुत इट वॉज वेरी वेरी लूज। सो अगर आप इसमें यूजली L मंगवाते हैं तो गो फॉर M, और अगर M मंगवाते हैं गो फॉर S। सो दिस इज़ ड्रेसबेरी, एंड कपड़े की बात की जाए सॉफ्ट है, बट लिटल बिट आई एम डिसअपॉइंटेड कि मे बी ये 2 वॉश के बाद इट विल लूज इट्स शेप, या तो ये बहुत ज़्यादा खुला होने वाला है, और मोरोवर इसकी जो टेक्स्चर है, टेक्स्चर ये भी चेंज होने वाली है। इसके धागे अभी ही निकल रहे हैं, तो आई एम डाउट अबाउट इट्स क्वालिटी। सो कीपिंग ऑन दैट व्यू, मे बी आई एम रिटर्निंग दिस प्रोडक्ट। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस प्रोडक्ट फर्स्टली। सो फॉर मी द रेटिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट इज़ 5 आउट ऑफ 10।
I'm not impressed with this product. So this is my second buy. And my third buy is Roadster. Roadster में मैं पहनती हूँ S. So this is S. No. This is S. So no, this is M. I'm sorry, I'm confused, getting confused. Actually, बहुत सारे brands में मेरा अलग अलग size है. So इसमें M, तो that is true to its size. इवन दो अगर आप रोडस्टर में, जैसे कि सर्दियों के कपड़े एक अप साइज लेते हैं, तो आप अप में भी उतने ही हैं. तो दैट्स आई रियली लाइक अबाउट रोडस्टर. सो मतलब ये थोड़े बिट लूज होते हैं, तो आप अपने साइज में आ जाते हैं. तो अगर आप रोडस्टर में बहुत स्किनी हैं, तो आप अगर एक्सेस एस लेते हैं, तो गो फॉर एक्सेस, एक छोटा साइज ले लीजिए. सो दिस इज माई सेकेंड बाय. बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, वी नेक है, एंड वी नेक लुक सो क्लासी. तो ये एक बेसिक टी शर्ट है जो सबके, बेसिक स्वेटर है जो सबके पास होनी चाहिए. ब्लैक, रेड, अकॉर्डिंग टू बीइंग ब्लैक, रेड एंड ग्रे, एंड देन रेड ग्रे एंड देन वाइट ऑल्सो. सो इसका ओरिजिनल प्राइस है 1199. सो आई थिंक, मुझे कभी कभी लगता है कि ये ओवर हाई प्राइस लिखते हैं और कम देते हैं, ताकि अट्रैक्ट हो जाए, कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए. ओ माई गॉड, एंड 1100-1200 की जो है वो अब दो 300-300 में मिल रही है. आई विल मेंशन द ओरिजिनल प्राइस, जो सेल प्राइस मुझे मिले हैं, मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी, क्योंकि यहाँ सब हॉच पॉच हो रहे हैं प्राइजेस. तो आई इसका 1200 है, तो ये मुझे ऑलमोस्ट 350 में पड़ी है, नॉट मोर देन दैट, बट आई एम नॉट श्योर, आई विल मेंशन ऑन द स्क्रीन. सो दिस इज माई थर्ड बाय, एंड आई होप यू पीपल आर फाइन एंड डूइंग वेल इन लाइफ. सो माई नेक्स्ट बाय इज अ कार्डिगन, एंड कार्डिगन ने तो मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है. सो दिस इज द कार्डिगन नंबर वन, एंड सो इसका वी नेक है, एंड ये डार्क आई, अगर आपको ये मे बी ब्लैक ना दिख रही हो, ये ब्लू है, नेवी ब्लू कलर है. सो दिस इज़ द कार्डिगन, और ये शेप में ही, मतलब आपको टिल हिप एरिया तक ही आएगी. एंड इसका ओरिजिनल प्राइस था 1599, विच इज़ नॉट वर्थ एट ऑल. सो ये मुझे ऑलमोस्ट पड़ी है 400 में. आई एम नॉट स्टिल नॉट श्योर अबाउट द प्राइस, सो आई विल मेंशन ऑन द स्क्रीन. और इसका वी नेक है, आई थिंक इसका वी नेक जो है, मैंने जब पहना, तो ये वी नेक बहुत ज़्यादा डीप था, सो उतना अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि सम टाइम आई वॉन्ट टू वेयर इट विद जीन्स एंड इट डजेंट लुक गुड. सो दिस इज द प्रोडक्ट, एंड इट इज़ ट्रू टू इट्स साइज. जो मैंने साइज मंगवाया था, वही साइज आया, दैट इज एस इन कार्डिगन. रोडस्टर की दिस इज एस, एंड एग्जैक्टली इट वॉज फिटिंग मी लाइक दैट, कि जैसा ही फिट होना चाहिए. एंड ये जो है वो हल्का गर्म रहेगा. आप अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सर्दी वाले एरियाज में आप पहने और ये बहुत ज़्यादा आपको वार्म दे, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. आपको इसके अंदर जो है वो लेयरिंग करनी पड़ेगी, सो दैट्स वाई इट विल लुक क्लासी, अदरवाइज यू विल गेट शिवर. सो दिस इज़ अ प्रोडक्ट, एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अगेन अ कार्डिगन. ओके, मैं आपको कंपैरेटिव भी करके दिखाऊंगी. सो दिस इज एम, एंड अगेन विद द सेम ब्रांड, मरून कलर का है, और with full sleeves as usual, and यहाँ पर stripes दी हुई हैं. Okay, the difference between this and this is कि ये बहुत, इसकी arms यहाँ से यहाँ तक was very very good, but यहाँ से बाद ये इतनी open होगी, जो कि कहीं पर भी इनकी description में as usual मुझे mention नहीं था. See, यहाँ से ये खुली हैं पूरी और लंबी भी हैं. सो इसके साथ छोटी छोटी बटन्स दिए हुए हैं. अगर ये टू टू साइज नहीं है, इसका आपको एक साइज डाउन कर मंगवाना पड़ेगा, एंड इट इज़ बहुत छोटे छोटे इसके बटन, एंड विल लुक क्लासी. बट आप अगर इसको अपने साइज के ही अकॉर्डिंग मंगवाएं, मतलब छोटा मंगवाएं अकॉर्डिंग टू यूर साइज, अगर आप एम पहनते हैं तो आप एस में चले जाएं, तो ये सुंदर लगेगी, अदरवाइज इट डजेंट लुक क्लासी. यू ना, ये ऐसे लगेगी जैसे आपने बैगी टी शर्ट पहनी हुई है, और तो वो उतना क्लासी नहीं लगता. मे बी कई लोगों को वो बहुत पसंद है, बट सम हाउ मैंने ये फील किया कि जैसे ही आप थोड़ा सा इसका लूज पहनेंगे, आप आगे से बिल्कुल फिट आपको प्रॉपर आएगी, और पीछे से ऐसे खुल जाएगी, विड्थ वाइज खुल जाएगी. एंड आई एम नॉट श्योर कि ये धोने के बाद भी खुलेगी, मतलब जो है अपनी शेप रिटेन कर पाएगी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. सो आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड विद दिस प्रोडक्ट एज वेल. जो प्राइजेज हैं मैं स्क्रीन में मैंशन कर दूंगी. कंपेरेटिवली बात की जाए, मैंने दो कार्डिगन मंगवाए थे, दिस एंड आई रियली लाइक दिस वन.
एज़ कम्पेयर टू दिस वन. दिस वन इसका जो स्टफ़ की बात की जाए ये ज़्यादा जो है वो है सॉफ्ट है, ये थोड़ा सा खुरदर है, बट ये थोड़ा सा जो है वॉर्म एंड पे है, ये उतना वॉर्म नहीं होगा, ये ज़्यादा वॉर्म है. और मोर ओवर ये सारे ड्रेसेस के साथ चल जाएगा, ये उतनी ड्रेसेस के साथ नहीं जाएगा. सो दिस इज़ माई कंपेरेटिव एनालिसिस. सो दिस वर माई टू कार्डिगन्स. एंड नेक्स्ट मैंने ली है द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट अच्छा ब्रांड ऑफ जैकेट, दैट इज फोर्ट कॉलिंस. फोर्ट कॉलिंस की मैंने ये जैकेट ली है जो कि मुझे मिंत्रा में पड़ी है 989 की. एंड सो दिस इज़ द प्रोडक्ट और ये है फोर्ट कॉलिंस की. इसके साथ एक जिप क्लोजर है और क्यू बाय फोर्ट कॉलिंस. इसमें मेरा साइज़ है एल और जो एग्जैक्टली एल है. बाय द वे जो क्यू कॉलिन्स की जो भी जैकेट्स लेते हैं उनको पता होगा कि वो एक साइज़ अप जाएं, क्योंकि जो एम पहनते हैं वो एल पहनेंगे. एम में एम पहनती हूँ तो मेरे को एल आती है, दैट्स वाई आई हैव ऑर्डर्ड एल, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक थी इसकी पहले. सो एल साइज़ आप ऑर्डर करें, एक साइज़ अप पहने. अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपने कभी फोर्ट कॉलिन्स से नहीं लिया तो गो फॉर अप साइज़. और ये मुझे 928 की आई, तो आई मेंशन. एंड मोर ओवर ये बहुत वार्म है, ये मेरी सेकेंड जैकेट है बाय फोर्ट कॉलिन्स. सो आई एम कीपिंग, यहाँ की ठंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सो आई एम कीपिंग दिस प्रोडक्ट. आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट. एंड इसके साइड में आपको दी गई है जिप जो आप डालें अपने, सो कीप योर हैंड वार्म एज वेल. एंड ये बहुत मोटी है तो इट विल मेक यू वार्म. सो आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट एंड माई रेटिंग फॉर दिस प्रोडक्ट इज 8.5 आउट ऑफ 10. सो गो फॉर दिस प्रोडक्ट, आई रियली रियली लाइक दिस प्रोडक्ट. सो नेक्स्ट बाय अगेन जो है मेरी है, नाउ इट्स अ जीन्स सेक्शन. सो फर्स्ट मेरी बाय थी दैट इज आई यूजली वेयर 20 एंड 30, इन सम ब्रांड्स आई वेयर 30 एंड इन सम ब्रांड्स आई वेयर 28 वेस्ट. तो अकॉर्डिंगली मैंने ये एक नया ब्रांड ट्राई किया दैट इज ग्लोबस. एंड ग्लोबस की 28 वेस्ट इतनी है एंड आई एम डिसअपॉइंटेड कि मे बी मैंने 30 मंगवाई होती तो शायद मुझे 30B फिट नहीं आनी थी. सो अगर आप टू साइज डाउन चलें अगर ग्लोबस लेनी है. मैंने मंगवाई थी जीन्स ब्लैक और मुझे ये जीन्स आई ब्लू एंड आई एम डिसअपॉइंटेड, क्योंकि जिसका काम ही नहीं ब्लैक जीन्स का काम था वो ब्लू आई. एंड स्टफ़ वाइज बात की जाए ये मिड राइज है और ये थोड़ी सी स्टफ़ जो है मोटी है. स्टफ़ इसका जो जीन्स का है वो मोटा है तो यू कैन वेयर इट इजली. अगर आपकी हाइट जो है लाइक आई एम 5'3", सो अगर आप ये पहनेंगे तो ये आपको एग्जैक्टली एंकल तक ही आएगी, आपको उसको कट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एग्जैक्टली एंकल लेंथ थी और क्लीन लुक थी, बट अगर ये ब्लैक में होती तो इट वुड बी कमेंडेबल, बट ये आई नहीं. एंड मोर ओवर साइज इशू है तो आप इसमें दो साइज अप चल के जाएं. और इसका ओरिजिनल प्राइस था नियर अबाउट 1699 जिसकी मुझे वर्थ लगी नहीं. सो आई मिंत्रा पे तो 525 की रेंज में. सो दिस वाज माय फर्स्ट जीन्स. एंड माय सेकंड जीन्स इज बाय ब्रांड दैट इज कॉल्ड पार्क एवेन्यू वुमेन. और इस पार्क एवेन्यू वुमेन आई वॉज डिसअपॉइंटेड. मैंने इसमें ये हुआ जीन्स बहुत अच्छी आई, मतलब थोड़ी ब्लैकिश, बट इसकी ये जो ली है आई एम डिसअपॉइंटेड विद दिस, क्योंकि मैंने पिक्चर में देखा था तो ये नहीं था और ये आया है. एंड इट लुकिंग क्लीशे, आई वॉन्ट टू टेल यू, इट लुकिंग क्लीशे. अगर आप पसंद करते हैं ऐसी गोल्डन जरी वाली लगी हुई जीन्स तो गो फॉर इट, अदरवाइज फॉर माई टेस्ट लुकिंग क्लीशे. एंड इसका ओरिजिनल प्राइस था 1899, मुझे ये ऑलमोस्ट 525 में पड़ी. और इसमें मेरा साइज़ मैंने जो ऑर्डर किया था डैट इज़ 30 एंड एग्जैक्टली मुझे 30 फिट था और स्ट्रेचेबल है. सो अगर तो मैं इतना मेरे टेस्ट की वजह से मैं इसको इतना रिकमेंड नहीं करना चाहूँगी. तो अगर आपको ये गोल्डन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो गो फॉर इट. सो दिस इज़ माई सेकेंड बाय. आई एम डिसअपॉइंटेड, दैट्स वाई आई एम डिसअपॉइंटेड विद दिस सेल, कि मेरे जो चीज़ें थी वो मुझे वैसे नहीं मिली. एंड द नेक्स्ट बाय इज जीन्स. जीन्स जो है ये है ब्रांड ब्रांड बाय ब्रांड हेयर एंड नाउ, सॉरी बाय ब्रांड हेयर नाउ. और इसमें मैंने ऑर्डर किया था 30 विच इज़ ट्रू टू इट्स साइज, बट द रीज़न आई डोंट लाइक कि मैंने क्लीन लुक ऑर्डर की थी और इसमें
जो है हल्के, अगर आई डोंट थिंक सो कि वीडियो में अगर विजिबल है, तो ये ना धागे दिए गए हुए हैं, मतलब ऐसे शेड्स दी गई हुई हैं. इट्स नॉट द क्लीन शेड्स एंड नॉट द डार्केस्ट आई वॉन्ट, ये वैसी दी गई हैं जिसको डिस्ट्रेस थोड़ी सी कहते हैं, कि नॉट द ब्लैक और मिक्स ऑफ ब्लैक एंड ग्रे. सो दिस इज़ द जीन्स और इट इज़ ट्रू टू योर साइज़. आप अगर 30 हैं तो ये 30 में ही आपको फिट आ जाएगी एंड इट इज़ बिट स्ट्रेचेबल एज मैंशन बाय देम. सो एंड और मुझे एक हिस्सा डिसअपॉइंटेड होगी, इससे इतनी स्मेल आ रही है इस जीन्स से, जैसे कि ये बहुत सदियों से पुरानी है और ऐसी जगह पे पड़ी है जहाँ पे कोई वेंटिलेशन नहीं है और कुछ नहीं है. लाइक जैसे हमने कोई 15 सीजन बाद एक कपड़ा निकाला होता तो उससे स्मेल आ रही होती है. सो दिस इज़ माई बाय. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बाय, द लास्ट बाय इज दिस माई फॉर्मल कोट बाय मास्ट एंड हार्बर. सो दिस इज ग्रे इन कलर एंड मैं यही आपको बता, एंड आई एम लविंग दिस प्रोडक्ट. ये मैंने लिया है 1299 का, एक्चुअली ये सेल के बिना भी 1299 का ही था. सो दिस इज पैड विद पैडेड शोल्डर और विद बेल्ट विद इट एंड द बटन. इट गिव्स यू अ वेरी फॉर्मल लुक. अगर आप सर्दी के प्रस्पेक्टिव से ले रहे हैं तो इट जस्ट फॉर शो, नॉट फॉर कि आपको ठंड से बचाएगा, तो वैसी वॉर्म नहीं है इसमें, बट ये लुक पहना हुआ बहुत क्लासी लग रहा है, लाइक वेरी क्लासी. तो अगर आप ये फॉर्मल वेयर या फिर मतलब आप किसी वर्कशॉप पे जा रहे हैं या कोई अपने उस पे जा रहे हैं, हाँ यू कैन लेयर इट, बट आई विल रिकमेंड यू कि आप इसमें एक साइज अप जाएं. मैंने इसमें साइज मंगवाया था M. सो द प्रॉब्लम इज कि अगर तो ब्लेजर के बटन्स यहाँ होते, अगर मैं दिखा पा रही हूँ, तो अगर ब्लेजर्स के बटन यहाँ होते तो ये इजीली बंद हो जाता, बट इसके बटन्स यहाँ पे लाइक दिस इज, अगर ये बटन यहाँ होते तो इट विल डेफिनेटली गिव यू अ वेरी गुड लुक, बट इसके बटन्स यहाँ हैं, यहाँ से यहाँ आपको बंद करने पड़ेंगे. तो आप, मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आप एक साइज अप जाएं. मैं इसको एक्सचेंज करवा के साइज L ले रही हूँ. तो आई होप कि आपको ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं आपको मतलब हेल्प करें इन योर बाय. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. कॉमेंट एंड बिलो कि आपको कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे लगे और फीडबैक भी देंगे कैसे मैं अपनी वीडियोज़ इम्प्रूव करूँ.